जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यह वीडियो काफी दिनों के बाद अपलोड की जा रही है। इसके पीछे एक रीजन है, कुछ ऐसे कंडीशंस थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप इजिली देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे दाग दिखाई दे रहा होगा मेरे चेहरे पे। एक एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता था, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन टच वुड एक ठीक ठाक एक्सीडेंट था। पूरे फेस पे चोट लग गई थी, ये हाफ साइड पूरा सूज गया था और आंखें एक दिन तक नहीं खुली थी। और अभी भी आप यहाँ पे स्पॉट देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हुआ स्वेलिंग आप देख सकते हैं। तो इस बीच लगभग एक हफ्ते से मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना पा रहा था। काफ़ी चीज़ें हुई, वर्ल्ड कप मैच हुआ और यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाने लगे, अवध यूनिवर्सिटीज़ के BA BSc के फॉर्म भरे जाने लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। और CTET का फॉर्म आ गया, CTET का फॉर्म कंप्लीट हुआ, BPSC का फॉर्म, BPSC की एग्जाम डेट, और साथ ही साथ कल की बात है कि NIOS DLED वालों को बाहर किया गया, मतलब इक्विवेलेंट नहीं माना गया है। बहुत सारे इंसिडेंट हैं इस पे। अब मैं पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा और जो भी अपडेट होगी आप सबको मैं बताऊंगा। और मुझे लगता है कि वंस अगेन आई एम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल्स एंड वंस अगेन आई विल वुड बी शेयरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। और बट आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ, आई एम ओके। ठीक है, तो ये कंडीशन थी कि जिस मैं चोट की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट नाउ आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एक शॉर्ट वीडियो है ये, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि आप में से कितने लोग BPSC का फॉर्म, यानी कि जो बिहार की टीचर वैकेंसीज आ रही है जो इस बार दिसंबर में कंडक्ट होना है, आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है कमेंट में बताइए। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, खासतौर पे क्योंकि इस बार जो है वो क्लियरली बच्चों बीएड वालों को मौका दिया गया है। और इसके अलावा आप में से कितने लोग CTET का फॉर्म देना जा रहे हैं, कैसे चल रही पढ़ाई आपकी और कितने लोग एमएड कर रहे हैं, इन सारी डिटेल्स को आप कमेंट में शेयर करिएगा। खासतौर पर वो दो बच्चे जो CTET इस बार दे रहे हैं और जो लोग बिहार में इस बार टीचर वैकेंसीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होंगी अब इस पर बात की जाएगी, वन बाई वन बात की जाएगी स्कॉलरशिप के से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम। क्योंकि देखो मैं बहुत दिनों से ना ऑफलाइन था, एक मीन इन सारे पॉइंट सबसे बाहर था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं कि क्या चल रहा है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको अभी जो RMLU अवध यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं ग्रेजुएशन के, उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो बताइए, फिर मैं उस पर रिसर्च करूंगा और वन बाय वन करके आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। बस कहना ये था कि विथ ऑल योर गुड विशेज आई एम परफेक्टली फाइन नाउ, मेक वीडियोज एंड आई कैन हैव अ चैट विथ ऑल ऑफ यू, और मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। सो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट था, चोट से मैं उभर रहा हूँ बट फाइनली आई एम फीलिंग गुड। ओके, तो चलो आप सभी को आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बाकी कोई समस्या सुझाव सारा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू। हाँ, अगर बात रही क्लासेस की तो CTET के बाद क्लासेस करेंगे, राइट। CTET के एग्जाम्स हो जाए, जनवरी में मोस्ट प्रॉब्ली कंडक्ट होना है, तो उसके बाद जनवरी के बाद से अपन क्या करेंगे, मस्त प्लान करेंगे या फिर लेक्चर्स उससे लेंगे अपन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। आई डोंट नो कि कितने बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में BEd में ज्वाइन किए हैं, बट वी हैव अ गुड स्ट्रेंथ इन द सेकेंड ईयर और यूनिवर्सिटी के, सो हम उसको क्या करेंगे, जारी रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए, जैसे कोई अपडेट आती है वन बाई वन उस पर बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।